हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे सी टेक्निकल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशंस डेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लोग तो 10 मई को ही एग्जाम डेट मान चुके हैं, तो इसके बारे में भी कुछ कन्फर्मेशन हमसे ले लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार हमसे कह रहे हैं कि 10 मई को जो है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा आपकी होनी है, है ना। ये चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही, प्लस मैं आपको मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव की पूरी शेड्यूल आ चुकी है 2024 इलेक्शन का, ठीक है। और इलेक्शन जब होगा तो इलेक्शन के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें प्रतिबाधित रहेंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी मैं बता दूंगा डेट कब कब है इलेक्शन का और एग्जाम कब होगा। और इसके साथ ही साथ इसके कारण जो है कई सारी चीजें प्रभावित होंगी। जितना दिन तक आप समझ जाओ कि लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चलेगा, उतने दिन तक उत्तर प्रदेश में आप मान करके चलो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कराना या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षाएं कराना आप सभी के लिए असंभव है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी बातें तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लोग जो है आ चुके हैं मुझे जहां तक उम्मीद है, और उसके बाद जो है इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सर जी रिप्लाई नहीं देते हैं, नीतीश कुमार ठाकुर, जब इसी चीज के लिए मैं यहां पे आया हुआ हूं लाइव में बताने के लिए, तो फिर आप लोग जो है इतना मान करके चलिए कि वीडियो के खत्म होने से पहले सर इस बात को जरूर बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं, एक टारगेट आपको यहाँ पे सेट करना है। यूपी पॉलिटेक्निक में आप सभी का जो है एंट्रेंस एग्जाम में काफी तेजी के साथ फॉर्म फिल हो रहा है ना। और अभी तक हमारे पर्सनल मिले सूत्रों के अनुसार जो फॉर्म है लगभग आपका जो है अभी तक जो है बहुत ज्यादा, पिछली बार की अपेक्षा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप मान करके चलिए कि लगभग जो है 2 लाख प्लस जो है अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है। ध्यान से आप देख लीजिएगा, ओके। पिछली बार आप लोगों का 4 लाख का टारगेट जो है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के द्वारा पार किया गया था, यानी कि पहली बार इतने भारी भरकम संख्या में बच्चों ने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिया था, है ना। हालांकि उसमें बात करें तो उसमें 50,000 60,000 से अधिक विद्यार्थी जो है एब्सेंट रहे, किसी कारण से वो पेपर नहीं दे पाए, जिन्हें बाद में किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिला और वो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग से भी बाहर हो गए, ठीक है। मतलब कि अगर आप जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हो तो आप जो है फटाफट याद रखना कि जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले सकते हो, ओके, ठीक है। हाँ जी सर, ओके सर, आज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आज मैं देखता हूं अगर टाइम मिलता है तो क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना। और नहीं तो जो है आज आप सभी का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही चलेगा, ओके। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी का फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो क्या था, ध्यान से देख लीजिएगा। यूपी में आप सभी का जो जीकॉप का जो फॉर्म है उसके फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, और आपको आपसे ये कहा गया था कि 10 मई तक, ठीक है, 10 मई यानी 10 मई तक आप सभी के फॉर्म का लास्ट डेट होगा। और इसी 10 मई के बीच में आपके पास जो है एक और इंफॉर्मेशन और बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई यूपी में चुनाव की, और उत्तर प्रदेश में जो सभी चरणों में जो आपके चुनाव होने हैं वो आपके कब से कब तक होने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। यूपी में जो आपका चुनाव है ये आपका 19 अप्रैल से लेकर के और इसके साथ ही साथ 1 जून तक आपका यहाँ पे चुनाव चलेगा यूपी में स्पेशली मैं बताऊं तो। और इसके अलावा आप लोगों का लगभग 4 जून तक आपका रिजल्ट आएगा, इतने तक आप मान करके चलो कि आपका लगभग कोई काम नहीं होने वाला है, है ना। ये चीज आप लोग समझ गए। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, है ना, कि ये जो आप लोगों का जो 10 मई है, ठीक है, ये जो आपका 10 मई दो दोस्तों जो दिखा रहा है ये फॉर्म का लास्ट डेट दिखा रहा है, और 10 मई के बाद भी आपके फॉर्म की डेट चेंज हो सकती है, इतना याद रखिएगा, ओके। 10 मई के बाद भी आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है, इतनी चीजों को आपको ध्यान से देखना है, ओके। ये 10 मई फॉर्म का लास्ट डेट है। अब जो आपका पेपर है, ठीक है, आपको याद रखना है कि आपका जो पेपर है वो आपका अप्रैल में तो आपका मान लीजिए कि होगा नहीं, अप्रैल तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, मई में आपका फॉर्म ही फिल हो रहा है, और जून में आप लोगों का क्या है, चुनाव ही है।
तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है वो आप लोगों का 5 जून के बाद ही होगा, और 5 जून के बाद आपका इंट्रेंस एग्जाम 100% आपका होगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। कब होगा? तो 5 जून के बाद ही होगा, ओके। अब 5 जून से लेकर 10 जून तक भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, या 10 जून से 15 जून तक भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, बस ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का पेपर कब तक होने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो न्यू सेशन है आप सभी का, है ना, जो न्यू सेशन है आप सभी का वो कब से चलने वाला है, तो न्यू सेशन आप सभी का जो है चलने वाला है, जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप जब कॉलेज में जाओगे तो उसके बाद जो आपका न्यू सेशन होगा वो आप लोगों का 100% जो है आपको मान करके चलना है कि 1 अगस्त से आपका 100% आपका सेशन स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा खाका, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है, ओके। तो आप सभी ने ये चीज इतनी चीजें देख ली, ओके, है ना, समझ में आ गया, ओके। झारखंड के लिए भी अभी वीडियो आ रही है थोड़ी देर में आप सभी के लिए, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए भी वीडियोस जो है बन चुकी है, थोड़ी देर में आपके एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड आपके झारखंड पॉलिटेक्निक का भी बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन मैं दे देने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। ये आपका फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक का हुआ जिसका एग्जाम 5 जून के बाद होगा, 100% कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि आपका 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक आपका इलेक्शन है, 4 जून को आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद ही यूपी में आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। हां जी सर, अब ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको अपनी तैयारी करनी है पॉलिटेक्निक की, ठीक है, अगर भाई आपको अपनी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कॉल कीजिए, आपको 100% तैयारी कराई जाएगी, ओके। प्लस इसके अलावा आप सभी को गाइडेंस भी दिया जाता है, कई सारी जगहों पे मैंने देखा है, सिर्फ दोस्तों देखो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, मैं आपको बताऊं कि अगर सही गाइडेंस रहेगा ना तो 165 नंबर पे भी आप लोगों का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और अगर सही गाइडेंस नहीं रहेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि 220 नंबर पे भी आपको कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम पढ़ाने के साथ साथ आपको बेहतरीन गाइडेंस देते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, और गाइडेंस आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी पूरा भरपूर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पांडे जी टेक्निकल ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ओके। जिसको जिसको कोर्स लेना है फटाफट जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें और अपने कोर्स को आराम से ले सकता है, ठीक है। बाकी जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन आती है बताऊंगा, बाकी क्लासेस जो है आपके चलती रहेंगी।